हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और आपके फेवरेट सीरियल मेहंदी है रश्मि वाली में आज के एपिसोड में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एपिसोड देखने को मिलने वाला है, जहां पर अब पल्लवी अम्मा की मदद करने वाली है राघव को सॉरी कहने में। तो दूसरी तरफ अब राघव यहां पर आकर सब कुछ देख रहा होता है। तो दोस्तों, आज की शुरुआत होती है जहां पर राघव पहुंच जाता है सुलोचना के पास में और उसे पकड़ लेता है रंगे हाथों। दूसरी तरफ पल्लवी खुई गई थी और अम्मा को बताती है कि राघव ने चोरी नहीं की, वो तो काकू ने चोरी की है। और उसके बाद में यहाँ पर अम्मा को बहुत गलत फील हो रहा था और पल्लवी कहती है कि अम्मा, मैं आपको गिल्ट फील नहीं करवाना चाहती, मैं तो आपके बेटे के प्रति आपका नज़रिया बदलना चाहती हूँ कि उसने गलत नहीं किया इस बार। तो दूसरी तरफ राघव अब उस सुलोचना को पकड़ के ले जाता है और उसे कहता है कि या तो तुम सच बता दो और उसके नहीं तो ये खोपड़ी में तुम्हारे बंदूक की गोली चलेगी। जिसके बाद में सुलोचना डर के मारे सब कुछ कह देती है कि मैं ये घर अपने नाम करवाना चाहती थी, लेकिन तुम बीच में आड़े आ रहे थे, इसीलिए मैंने ये चोरी का नाटक किया ताकि तुम्हें तुम पर सभी लोग शक करें और तुम्हें घर से यहाँ से निकाल दिया जाए। तो राघव उसे कहता है कि अब तुम मेरे साथ चलो और घर वालों के सामने पल्लवी का नाम क्लियर करो। और उसके बाद में वो उसे छोड़कर वहाँ पर चला जाता है और दिखाया जाता है कि राघव तो उसे छोड़कर वहाँ से चला जाता है, लेकिन अब सुलोचना इस नाम को क्लियर करेगी या नहीं करेगी, अब राघव ही आकर इसका काम तमाम करने वाला है। तो दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि पल्लवी अम्मा को उसकी मदद करती है कि वो अम्मा कहना चाहती है राघव से सॉरी, और वो कहती है कि अम्मा, अगर मैं राघव बन के आऊँगी ना तो आपको फील होगा कि मैं राघव दिख रही हूँ और उसके बाद में हम कैसे सॉरी बोलेंगे, तो मैं आपको प्रैक्टिस करवाती हूँ सॉरी बोलेंगे। और उसके बाद में वो राघव के कपड़े पहनकर बिल्कुल राघव से एक्टिंग कर देती है और अम्मा को बहुत आ रही थी। राघव पीछे खुद ही उसे देखकर काफ़ी हंसा होता है और उसके बाद में वो अपनी अपनी काफ़ी तारीफ कर रही होती है और राघव के बारे में कहती है कि वो तो भीगी पल्ली, मेरे सामने तो उसकी बोलती बंद हो जाती है, वो डोन होगा लेकिन वैसे मेरे सामने फुसकी बम है और सबसे डरता है वो, वैसे फालतू में लोगों को डराता रहता है जो उससे डरते हैं। उसके बाद ने राघव की बहुत ही बुरी तरह से बेइज्जती करती नजर आती है मस्ती में। उसके बाद राघव पीछे से कहते हैं अच्छा, और उसके बाद पल्लवी मुड़ के देखती है कि राघव पीछे ही खड़ा और वो बेचारी शॉक हो जाती है। अब आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि राघव से पूछती है पल्लवी कि आखिर क्या हुआ था 10 साल पहले। वो राघव कहता है अगर तुमने सुना तो तुम बहुत गलत मुझे समझोगी, लेकिन पल्लवी कहती है एक बार विश्वास करके तो देखो। और फाइनली अब पल्लवी पर विश्वास करकर राघव 10 साल पुराना राज खोलने वाला है कि उसकी वजह से अम्मा को लगता है कि उसकी वजह से उसके भाई की और उसके पापा की डेथ हुई थी, लेकिन ऐसा नहीं है, गलती उसकी नहीं थी। और उसके बाद में पल्लवी अम्मा और राघव के बीच की गलतफहमी को भी वो भूलते हुए भी 10 साल पुरानी दूर कर देगी।